ऊपर ही काल लेते हैं, जो मछली उन्हें काट में रहेगा तो भाग जाएगा, तो पता चलेगा कौन मछली है, पहले ना पता चलेगा, इसको आराम से उछलना है। दोस्तों बामी मछली फंस गया है, हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं नदी में मछली पकड़ने के लिए। वो मछली पकड़ेंगे आज नए तरीके से मछली पकड़ेंगे, ये बांस के खूप में मछली पकड़ेंगे, अपनी गांव देहात के तरीका से नए तरीका से मछली पकड़ेंगे बांस के खूप में। तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए अपनी गांव के तरीका से हम मछली पकड़ेंगे, और मछली पकड़ने के लिए सामान जो ले लिए है, ये धोती का टुकड़ा है, ये ट्यूब के रबट है। तो चलिए इसमें हम पहले धोती के टुकड़ा बांध लेते हैं और ट्यूब के रबट लगा देते हैं। यही ट्यूब के रबट लगा देंगे, ये धोती का टुकड़ा के बांध देंगे। ये वीडियो देखने में कैसा लगता है वो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अपने गांव के तरीका से नए तरीका से हम मछली पकड़ते हैं। इसमें हम अंडा फोड़ करके ही बोर्ड लगाएंगे, वही अंडा खाने आएगा मछली तो फंस जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से सभी बांस के खोपे में हम धोती के टुकड़ा बांध करके ट्यूब के रबट लगा लेते हैं। चलिए फिर से हम इसमें भी लगा लेते हैं। दोस्तों ये गांव देहात के नए तरीका से ही बांस के खोप में धोती के टुकड़ा बांध करके ट्यूब के रबट लगाते हैं। ये वीडियो देखने में कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों सभी बांस के खोप सूती कपड़ा लगा करके ट्यूब के रबट बांध करके हम तैयारी कर लिए हैं। उसके बाद दो अंडा ले लिए हैं, अंडा के हम बोट लगाएंगे, ये बांस के खोप में डालेंगे, वही अंडा मछली खाने आएगा तो फंस जाएगा। तो चलिए हम अंडा फोड़ करके बोट लगाते हैं। तो चलिए हम अंडा के बोट लगाते हैं, यही अंडा मछली खाने आएगा तो मछली फंस जाएगा। तो चलिए बोट लगा दिए हैं, तो इसको साइड में रखते हैं। दोस्तों ये अंडा के बुड लगा करके मछली फंसाने वाला वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये अपनी गांव देहात के नए तरीके से हम मछली पकड़ते हैं। दोस्तों बांस के खोप में सभी अंडा के हम बुड लगा दिए हैं, सभी बुड लग गया है, जो अंडा बच गया है इसमें हम सभी डाल देते हैं। यही अंडा खाने आएगा मछली तो फंस जाएगा। तो चलिए हम सभी बोर्ड लगा करके तैयारी किए हुए हैं, तो चलिए इस छिपा में हम सैंत लेते हैं सभी बांस के खोप। दोस्तों बांस के खोप में सूती के हम टुकड़ा बांध करके ट्यूब के रबट लगा करके अंडा के बोर्ड लगा दिए हैं। तो चलिए हम आठ गो बांस के खोप लिए हैं, आठों बांस के खोप एक ही बार में हम पानी में गिराएंगे, जो मछली फंसेगा उसी को रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए हम नदी में बांस के खोप लगाते हैं। दोस्तों पानी के नजदीक हम चल आए हैं, तो चलिए हम आठों बांस के खोप एक ही बार में लगाते हैं। दोस्तों ये बांस के खोप के जो है इसको हम गाड़ देंगे कादू में, जो मछली फंसेगा तो बांस के खोप लेकर के नहीं भागेगा।
दोस्तों पानी में 8 गो बांस का खोप लगा दिए हैं, तो कल हो करके आएंगे कौन सा मछली फंसेगा। तो चलिए आज चलते हैं। दोस्तों कल जो हम बांस के खोप लगा करके गए हैं, आज आए हैं देखते हैं कौन सा मछली फंसा है। तो चलिए देखते हैं, चलिए बांस के खोप निकाल करके देखते हैं कौन सा मछली फंसा है। दोस्तों इसको हम मुंह के बंद कर करके निकालेंगे, जो मछली वो ना भागेगा। दोस्तों तो 8 बांस के खोप हम निकाल लिए हैं पानी में से, और ऊपर निकाल लेते हैं, जो मछली उन्हें काट में रहेगा तो भाग जाएगा। दोस्तों पहले ट्यूब के हम हटा लेते हैं, उसके बाद हम मछली निकालेंगे। दोस्तों अभी पता ना चलेगा जो कौन मछली फंसा है, हटाएंगे कपड़ा तो पता चलेगा कौन मछली है, पहले ना पता चलेगा, इसको आराम से उछलना है। दोस्तों बामी मछली फंस गया है, तो ये खोप में ना है मछली, ये फूल चल गया। दोस्तों बामी मछली फंस गया है, यही मछली को रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की ओर। दोस्तों नदी से बामी मछली पकड़ करके ले आए हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बामी के छोटे छोटे टुकड़ा में पीस बना लेते हैं, ये बामी मछली को हम पीस बना लेते हैं। दोस्तों ये अपने गांव के तरीका से, नए नए तरीका से मछली पकड़ करके
पीस बनाते हैं। ये वीडियो देखने में कैसा लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों बारी बारी से सभी बांग मछली के छोटे छोटे टुकड़ा में हम पीस बना लिए हैं, तो चलिए ये गमला में डाल करके हम पानी से धो लेते हैं। दोस्तों गमला में पानी डाल दिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से धो लेते हैं। दोस्तों मछली धो लिए, तो चलिए छीका में रखते हैं। दोस्तों बामी मछली एक पानी से धो लिए हैं, तो एक पानी से और धो लेते हैं। दोस्तों पानी डाल दिए हैं, तो बढ़िया से धो लेते हैं। दोस्तों मछली तो साफ लगता है और मछली बहुत ही चमकता है, इसको फिर से धो लेते हैं। अभी पानी डाल देते हैं। दोस्तों पानी एकदम साफ लग रहा है, मछली भी साफ हो गया है, एकदम मछली चमक रहा है। तो मछली के पानी गार करके धरना है, एनाहते नहीं धरना है, सही पानी मछली में के गार करके धरना है, क्योंकि अब मछली भी होकर के एकदम तैयारी हो गया है। दोस्तों मछली बढ़िया से धो करके तैयारी कर लिए हैं। बामी मछली के लिए हम मसाला ले लिए हैं, जो ये लहसुन है, ये पीला सरसों है, ये लाल मिर्च है, उसके बाद ये मिर्चाई पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, उसके बाद ये गोर मिर्च है, जीरा है। तो चलिए मसाला सब जो है सो हम पत्थर पर तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए मसाला तैयारी करने के लिए बढ़िया से पत्थर से धो लेते हैं। हम पत्थर के धो लिए हैं, तो चलिए हम लहसुन पेस्ट तैयारी कर लेते हैं। चलिए हम लहसुन पीस लेते हैं। दोस्तों लहसुन पेस्ट हम पीस करके तैयारी कर लिए हैं, इसको उठा लेते हैं। लहसुन पेस्ट पीस लिए हैं, उसके बाद हम पीला सरसों पेस्ट पीस लेते हैं। दोस्तों सभी मसाला को हम पीस लिए हैं बारी बारी से, तो चलिए इसको उठा लेते हैं। दोस्तों मछली के लिए मसाला पीस करके रेडी कर लिए हैं, तो चलिए मछली फ्राई करने के लिए हम चूल्हा जोड़ लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। दोस्तों कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तो चलिए हम सरसों तेल डाल देते हैं। दोस्तों जब तक इधर तेल गर्म हो रहा है, तब तक इधर हम हल्दी पाउडर और लहसुन पेस्ट सभी मछली में मिक्स कर लेते हैं। ये मछली में हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद चलिए हम लहसुन पेस्ट डाल देते हैं, उसके बाद चलिए हम नमक डाल देते हैं। सभी डाल दिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मछली में हम इसलिए चम्मच से मिक्स करते हैं, जो बामी मछली में बहुत ही कांटा रहता है हसुआ की तरह, तो इससे मिक्स कर लेंगे तो हाथ में नहीं। मछली को बढ़िया से हम मिक्स कर लिए हैं, हल्दी पाउडर और लहसुन पेस्ट नमक सभी बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। तो हमको तेल गर्म हो गया है, तो चलिए हम मछली फ्राई करते हैं। दोस्तों मछली फ्राई एक तरफ हो गई है, तो चलिए इसको दूसरे तरफ हम उतार देते हैं। दोस्तों मछली फ्राई हो गई है, तो चलिए हम निकाल देते हैं। तो चलिए फिर से हम मछली फ्राई करने के लिए डाल देते हैं।
दोस्तों बामी मछली वाला फ्राई वाला वीडियो देखने में कैसा लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मछली फ्राई कर ली है तो थोड़ा पानी डाल करके मसाला के घोर लेते हैं। पानी डाल दिए हैं तो इसको थोड़ा घोर देते हैं। दोस्तों मसाला घोर करके रेडी कर लिए हैं तो चलिए हम पीला सरसों डाल देते हैं। पीला सरसों फूट गया है तो चलिए हम मसाला डाल देते हैं। मसाला डाल दिए हैं, इसको बढ़िया से चला देते हैं जो खराब हो जाए। दोस्तों मसाला बढ़िया से फ्राई हो गया, स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इसको हम बढ़िया से चला देते हैं। नमक डाल दिए हैं तो चलिए हम रस तैयारी करने के लिए पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए हैं, इसको बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों रस बन करके तैयारी हो गया है तो चलिए इसमें बामी मछली फ्राई हम डाल देते हैं। तो चलिए इसमें बामी फ्राई हम डाल देते हैं। बामी फ्राई डाल दिए हैं तो इसको चला देते हैं। सभी में मसाला रस बराबर हो जाएगा। दोस्तों मछली एकदम बन करके तैयारी हो गया है तो चलिए हम उतार करके नीचे रखते हैं। दोस्तों बामी मछली बना करके तैयारी कर लिए हैं। अरुआ के पत्ता पर चावल परोस लिए हैं तो चलिए हम बामी मछली खा करके देखते हैं कैसा स्वाद बना। दोस्तों बामी मछली और चावल खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। ये वीडियो देखने में कैसा लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।